लगभग 245 करोड़ रुपया इरिगेशन विभाग को और 50 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ विभाग को बोर्ड ने मंजूर किया है। आने वाले हमारे मॉनसून सीजन से पहले टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं, परमानेंट सोल्यूशन के तहत हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर नई पाइपलाइन ले डाउन कर प्रॉपर व्यवस्था शहरों में बनाई जाए और ख़ास तौर पर 12 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर पानी रुकता था, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद होती थी, वहाँ पर भी परमानेंट सीमेंटेड पाइपलाइंस, पंप सेट्स और साथ के साथ उनके टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हम उपलब्ध टाइमली करवाएंगे। साथ में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के हाथ में एक फंड हम पहले ही, जैसे कोविड में हमने अलॉट किया था, हम अलॉट करेंगे जिससे जहाँ भी पानी खड़ा होता है वहाँ जल्दी से जल्दी डीजल पंप सेट लगाकर किसान के खेत के अंदर पानी का ठहराव हटाया जाए। खास तौर पर एक स्कीम करनाल के अंदर बनाई गई है जिसके अंदर 2 ग्राम पंचायतों की ज़मीनों को लैंड बैंक के तौर पर यूज़ किया गया है, जहाँ इस तरह का पानी नॉन रेनी सीजन में एग्रीकल्चर के लिए स्टोर किया जाएगा जिससे ग्राउंड लेवल रिचार्ज हो और रेनी सीजन के अंदर उसको आगे इंद्री की जो हमारी ड्रेन है उसके साथ जोड़कर यमुना के अंदर डाला जाएगा। साथ में जींद, भिवानी, झज्जर, इन जिल सोनीपत, इन जिलों के अंदर स्पेशलाइज्ड जहां हाई, जहां पानी की गहराई ज़्यादा है वहां पर पाइपलाइन के साथ साथ वाटर रिचार्ज के भी सिस्टम प्लान किए जाएंगे जिससे ग्राउंड वाटर भी उस एरिया का रिचार्ज हो और जिस एरिया में पानी ऊंचा है वहाँ पर सीमेंट पाइप के माध्यम से पानी को ड्रेन्स के अंदर डालकर जल्द से जल्द वहाँ डी वाटरिंग करी जाएगी। केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पूरे देश के अंदर हैं उनके लिए आज देश भर में कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल और फ्री टीकाकरण उनका शुरू करवाया है। मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लेवल पर अगर इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कहीं शुरू हुई है तो हमारे देश के अंदर हुई है। जहाँ प्रदेश के अंदर बात है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं 3 चरणों के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर निर्णय ले रही है। पहला चरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, फिर सीनियर सिटीजन्स का है। जिस दिन केंद्र सरकार अगर कोई भी अनटच्ड व्यक्ति छोड़ते हैं जिसको आज ज़रूरत है वैक्सीनेशन का, तो प्रदेश सरकार उस पर निर्णय भी लेगी और उसका टीकाकरण भी कराने का काम। केंद्र सरकार आज भी प्रोएक्टिव है, कल भी बैठक हुई है, दोबारा एक बैठक रखी है, स्टे के बावजूद भी किसानों से चर्चा करी जा रही है, विषय पर बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है, मैं तो स्वयं आज अखबार में देख रहा था कि एक सदस्य ने उस कमेटी से अपने आप को रिक्यूज़ किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को दोबारा बना देती है और वो भी किसान संगठनों से चर्चा कर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि स्टैंड ऑफ जल्दी निपट सकता है। हमें पूरी आशा है कि इसका निपटारा जल्दी होगा, मगर जिस तरीके से ये प्रोलॉन्ग हुआ है और जो डिमांड्स है, मुझे लगता है बिना चर्चा के इसका निष्कर्ष निकालना मुमकिन।